Hi guys, namaste, welcome back to my channel and I am so thank you to each and everyone. बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स हमें मिला था द स्लो बजट डाइट के लिए, दैट 499 के पैकेज के लिए. एंड ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है कि जिसके लिए हम खुद ही मेंटली तैयार नहीं थे. एंड एक स्टेज पे ऐसा आया था कि वेबसाइट बिल्कुल हैंग हो गई थी, गेटवेज लाइक ऑलमोस्ट हैंग. एंड मैं और मेरी टीम, हम लोग 3 रातें बिल्कुल नहीं सोए थे एंड इस वजह से लास्ट वीक जो यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई. पॉइंट इज़ कि मेरी टीम ने मुझे कहा था कि मैम इसका थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे, बट आई सेड कि नहीं, मुझे मेरी औकात देखनी है कि मैंने 7 साल में क्या बनाया है. एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बनाई हैं. एंड आप लोगों का प्यार, जो आप लोगों का ट्रस्ट फैक्टर है, वो जो मेरे को उस समय दिखा, मैं पूरा लास्ट वीक, बिल्कुल जब से वो वीडियो अपलोड हमने किया था, हम पूरा लास्ट वीक सोए नहीं है. एंड हम इतने एक्साइटेड थे, हम इतने ज़्यादा खुश थे, हमारी बैक टू बैक कॉल्स थी, मैं लाइक नेक्स्ट लेवल पे थी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरी मेंबर, रियली मीन अ लॉट टू मी. एंड इट्स लाइक थैंक यू सो मच. मैं जितना थैंक यू बोलूँ, जितनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने मुझे दी है उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के नीचे, इट्स लाइक मेल्ट माई हार्ट. इट्स लाइक मुझे गूज बम्स दिए उन सारी ब्लेसिंग्स ने. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब रिचार्ज हो गई उसके बाद. मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं रिचार्ज हो गई. एंड मुझे ऐसा लगा मैं और करूँगी, मैं और बहुत कुछ करूँगी, मैं और आगे लेके आऊँगी. आप लोगों के आइडियाज़, आप लोगों के कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ों ने मुझे डबल रिचार्ज कराया. सो माइट भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में और बहुत बड़े बड़े बम लेकर आऊँगी, अच्छे खासे, मतलब एटम बम नहीं, काइंड ऑफ बुलेट बम या फिर फुलझड़ी वाले बम, कुछ ना कुछ मैं बड़ी बड़ी चीज़ें मेरा मन है मैं लेके आऊँगी. सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन. अब हम बात करते हैं वीडियो टॉपिक की. एंड सबसे पहले आई रियली लव ईच एंड एवरी वन. थैंक यू सो मच. ओके, सो अब हम बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की. आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ मेरी टॉप 3 हाई प्रोटीन खिचड़ी की रेसिपीज. एंड ट्रस्ट मी, ये हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, एंड इट्स रियली फीलिंग रियली यम्मी और बहुत ही घर के घरेलू चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हैं. प्रोटीन के लिए हमें महंगे प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेने, हम लोग घर की बहुत सारी चीज़ों से प्रोटीन को है हासिल कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए. एंड टू बी ऑनेस्ट, रोटी, सैंडविचेस, चिल्ले, हम कभी कभार खा के ओके हो जाते हैं. एंड वी वांट समथिंग डिफरेंट, वी वांट समथिंग जो क्रेविंग हमारी ख़त्म कर दे, हमारे फूड की जो हैबिट्स हैं उसको इम्प्रूव करे. एंड जब भी हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ क्या बनाएं और किस तरीके से खाएं, टू बी ऑनेस्ट मेरी ये जो खिचड़ी की रेसिपी, आप ये ट्राई करो. एंड ये बहुत ही फिलिंग है, यम्मी है, ईजी है और प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर बनने वाली चीज़ है. एंड सबसे अच्छी चीज़, ये बहुत अच्छा एक मील रिप्लेसमेंट है कि अगर आप वाइट राइस यूज़ करते हो या फिर गेहूं की रोटियां खाते हो या फिर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना चाहते हो, तो उसके रिप्लेसमेंट में हम ये खिचड़ी ऐड कर सकते हैं. खिचड़ी की एक स्पेसिफिक वेट लॉस डाइट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हाउ टू लूज़ योर वेट विद द हेल्प ऑफ खिचड़ी. हाई प्रोटीन खिचड़ी का एक प्रॉपर डाइट प्लान है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी विद अमेजिंग लॉट्स ऑफ न्यू रेसिपीज. बट आज की वीडियो में मैं चाहती हूँ आप मेरी खिचड़ी की रेसिपीज़ देखें, उसको ट्राई करें घर पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सी वाली खिचड़ी फेवरेट लगी है. मैंने आज सुबह ही खाई है मेरी वाइट चना की खिचड़ी एंड बहुत ही यम्मी है, बहुत ही फिलिंग है, बहुत ही ईजी है. सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारी खिचड़ी नंबर 1. फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं हमारे ब्लैक चने की दाल की खिचड़ी. सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है प्रेशर कुकर, ये गर्म हो रहा है. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे जीरा. सबसे पहले ओके, जीरा हमारा डल गया है. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले प्याज. फिर इसके अंदर हम डालेंगे हमारी थोड़ी सी सब्जियां, थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा पेठा और थोड़े से बीन्स. एक बंदे के लिए बना रहे हैं इसलिए क्वांटिटी जो है वो हमने कम रखी है. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे उबला हुआ ब्लैक चना. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा आधी कटोरी जितना ओट. नेक्स्ट
इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले. सबसे पहले हल्दी पाउडर, नेक्स्ट सॉल्ट, नेक्स्ट भुना हुआ जीरे का पाउडर, नेक्स्ट हमारा सूखा धनिया पाउडर. इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. हो गया मिक्स. अब इसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास जितना पानी. जो हमने ब्लैक चना यूज किया है वो बॉइल्ड ब्लैक चना, तो पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप एक रात पहले भी उसको बॉईल करके रख सकते हैं. अब हम इसे विसल लगाएंगे. सिर्फ 3 विसल में ये हमारी खिचड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी. ओके, सो ये रही हमारी खिचड़ी, ओट्स एंड ब्लैक चना खिचड़ी, एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना संजना? हाँ जी. ओके, सो ये रही हमारी खिचड़ी. आप टेस्ट के लिए इसके अंदर हम लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बट अप टू यू. बट दिस इज एब्सोल्युटली रेडी. नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं हमारा वाइट चना एंड दलिया की खिचड़ी. ये डाल दिया मैंने ऑयल. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा जीरा. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारे थोड़े से प्याज. नेक्स्ट थोड़े से टमाटर. नेक्स्ट थोड़ी सी बीन, थोड़ा सा पेठा. नेक्स्ट हमारे पास है ये उबला हुआ वाइट चना. एक कटोरी मैंने इसमें डाल दिया वाइट चना मेरा उबला हुआ. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा दलिया, ग्लूटेन फ्री दलिया, बार्ले का दलिया, किसी भी टाइप का दलिया आप ले सकते हो, बट वीट का मत लेना पूरा. हाँ, मल्टीग्रेन दलिया पतंजलि का बड़ा फेमस है, आप वो ले सकते हो. बार्ले का दलिया, मिलेट्स इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास उस समय मौजूद हो. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी, सबसे पहले तो हम डालते हैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर. नेक्स्ट थोड़ा सा सॉल्ट. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर. खूब अच्छे से इन सबको हम मिक्स करेंगे. वेरी गुड. नेक्स्ट एक गिलास जितना पानी. अब हम इसको विसल लगाएंगे. फर्स्ट विसल तेज आंच पे, लास्ट नेक्स्ट 3 विसल्स कम आंच पर. ओके, सो ये बन गई हमारी यम्मी सी खिचड़ी. सो ये रही हमारी खिचड़ी, इट्स रेडी, इट्स यम्मी फिलिंग. इसके अंदर आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ब्राउन राइस एंड राजमा की खिचड़ी. ये रही हमारे पास ऑयल, हम गरम करने रख देते हैं. ओके, इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले जीरा, नेक्स्ट प्याज, नेक्स्ट टमाटर, नेक्स्ट सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बीन, गाजर, गोभी. यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है बॉईल किए हुआ राजमा एक कटोरी, 1 से 2 घंटे तक सोक किए हुए ब्राउन राइस एक कटोरी. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी, सॉल्ट, भुना हुआ जीरे का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास जितना पानी.
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। विसल लगाएंगे हम इसको 5-1 हम तेज आंच पे, 4 सिम आंच पर। एंड दिस खिचड़ी इज रेडी। एंड हम इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। सो ये जो सारी खिचड़ीज हैं आप ब्रेकफास्ट पे भी बना सकते हो, लंच में भी इसको कैरी कर सकते हो, और अगर आप वेट मेंटेनेंस पे हो तो आप डिनर में भी इसको ले सकते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। एंड मतलब घर पे बनाना, सबको खिलाना, खुद भी खाना, सबको भी खिलाना। सो या दैट्स ऑल एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जिसमें मैं लेके आऊँगी खिचड़ी वेट लॉस डाइट प्लान, जिसकी हेल्प से आप इजिली लूज करोगे 10 kg बहुत ही आराम से। सो या दैट्स इट। दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। एंड मुझे अब समझ आ गया मुझे आगे कैसे चीज़ें लेके जानी है और किस तरीके से आगे चीज़ों पर वर्क करना है। एंड ये जस्ट एक स्टार्ट था मेरे लिए। मैं बहुत नर्वस थी, मैं बहुत स्ट्रेस थी ये चीज़ कैसे करूँगी, बट मुझे अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी मैंने अपनी टेक्निकल टीम को पकड़ा कि वेबसाइट को और इतना तरीके से बनाओ कि वहाँ पे जितना भी ट्रैफिक लैंड हो हम उसको हैंडल कर पाएँ। सो नेक्स्ट जो आएगी चीज़ वो और अच्छी आएगी। एंड रियली रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।